उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबी और पूर्व पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। बीते एक साल से जुगेंद्र को कई मामलों में पुलिस की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी आगरा से की है और उन्हें एटा लाया जा रहा है। एटा में जुगेंद्र को एक अदालत में पेश किया जाएगा। पूर्व में उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था और एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। जुगेंद्र सिंह पर 2021 में एक महिला ने अपने बेटे पर जानलेवा हमला करने और लूटपाट करने का आरोप लगाया था। महिला ने शिकायत में कहा था कि वह अपने बेटे के साथ दवाई लेने जा रही थी। इस दौरान दो वाहनों में आए लोगों ने उसके बेटे की पिटाई की और विरोध करने पर आरोपियों में से एक ने उस पर फायर किया। इन लोगों ने पर्स में रखे पैसे भी लूटे, जिसके बाद इस पूरे मामले में जुगेंद्र सिंह यादव और उसके साथियों के खिलाफ FIR कराई गई। पुलिस ने इस केस में पूछताछ के लिए जुगेंद्र सिंह यादव को कई बार नोटिस दिया। कई बार उन्हें ये कहा गया कि वो आकर अपना पक्ष रखें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस ने तमाम बड़ी कार्रवाई शुरू की। जुगेंद्र सिंह यादव 2017 और 2022 में एटा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके बड़े भाई रामेश्वर सिंह को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। रामेश्वर सिंह पूर्व में सपा से विधायक रह चुके हैं। कुछ समय पहले प्रशासन ने जुगेंद्र सिंह की कई संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा दिया था। जुगेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब एटा कोतवाली में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनके नेता को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। जुगेंद्र सिंह को अखिलेश यादव का रिश्तेदार कहा जाता है। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के रसूखदार नेताओं में जाने जाते हैं और अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हनक भी देखने को मिलती थी। हालांकि अब गंभीर मामलों में फंसने के बाद योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जुगेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।